जय श्री केदार दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि लगातार मौतें बढ़ती जा रही है हृदय गति रुकने के कारण। एक तो चारों धामों की यात्रा में मौसम जानलेवा बना हुआ है, कभी बारिश, कभी बादल, कभी धूप, मौसम का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि मौसम कब अपनी किस करवट बैठेगा। और साथ में दोस्तों, इतनी कठिन चढ़ाई को चढ़ना भी कोई आसान बात नहीं है। ऐसे में लगातार मौतों की खबर आना अपने आप में बहुत ही बुरी खबर है। जबकि चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन अब तक 29 मौतें हो चुकी हैं चारों धामों में, और इन सभी यात्रियों की मौत का कारण एक ही है, हृदय गति रुकना। लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर जीरो ही बनी हुई है सरकार की व्यवस्थाएं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और वो भी सबसे पहले। 2 सालों के बाद बड़े ही जोश के साथ में यात्रा शुरू हुई, वो भी अपनी नियत तिथि पर। लेकिन लगातार बढ़ती हुई मौतें यात्रियों की चिंता का कारण बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि चिकित्सा सुविधा के नाम पर जीरो ही व्यवस्था बनी हुई है। अब तक केदारनाथ और यमुनोत्री मार्ग में फिर से एक बार 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है, वो भी हृदय गति रुकने के कारण। केदारनाथ में मरने वालों की संख्या अब तक 10 के ऊपर पहुंच चुकी है, वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ तक ऊपर पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यहां का जटिल भूगोल श्रद्धालुओं का दम फुला रहा है। ऊपर तक पहुंचने में बहुत ही कठिन चढ़ाई को आपको पार करना होता है। गुरुवार को केदारनाथ पहुंचे 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है, वो भी हृदय गति रुकने के कारण। इसके अलावा 1 यात्री ने यमुनोत्री में दम तोड़ दिया। दोस्तों, अब तक यमुनोत्री धाम में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं केदारनाथ धाम में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, गंगोत्री धाम में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और बद्रीनाथ धाम में 4 लोगों की मौत हो चुकी है हृदय गति रुकने के कारण। वहीं उड़ीसा से आए हुए 1 यात्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक पत्थर लुढ़क कर आने से चपेट में आकर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जो कि हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये ही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं केदारनाथ धाम यात्रा या फिर चारों धामों में से किसी भी धाम की यात्रा की, तो दोस्तों पहले तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें, क्योंकि आप चढ़ाई चढ़ने के लिए परफेक्ट फिट हैं या नहीं हैं। और अगर आप लंबे समय से बीमार रह चुके हैं, तो साथ में अगर आपको कोई कोविड से ग्रसित बीमारी थी, यानी कि आप कोविड के भी शिकार हो चुके हैं, तो मैं आपको ये ही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी यात्रा को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दें, ताकि आप जब बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएं, परफेक्टली फाइन हो जाएं, उसके बाद ही आप अपनी यात्रा करें। साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आपको किसी भी प्रकार की सांस फूलने की बीमारी है, या हृदय की बीमारी है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो भी आप यात्रा ना करें। अगर संभव हो और आपको यात्रा करनी ही है, तो आप फिर बाय हेलीकॉप्टर भी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नई अपडेट के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही अपडेट के लिए और न्यूज़ के लिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री केदार।